चौथा स्वरूप क्या है मैया का? चतुर्थम कुशमांडे चतुर्थम कुशमांडे। नवदुर्गा में चौथा रूप मैया का क्या है? कुशमांडा। कुशमांडा का क्या स्वरूप है? कुशमांडा का अर्थ होता है जो अंड पिंड ब्रह्मांड को उत्पन्न करे। अंड पिंड ब्रह्मांड, ये जितने जीव हैं जगत में, मनुष्य और मनुष्य के अलावा भी अंडज उद्भिद स्वेदज जरायु जितने जीव हैं, और ये ब्रह्मांड भी जिसकी शक्ति से बनता है, भले भगवान की विष्णु मूर्ति के द्वारा संचालन होता है, भले भगवान की ब्रह्मा रूप मूर्ति के द्वारा सृजन होता है, लेकिन ब्रह्मा जी के भीतर सृजन शक्ति बन के कौन विराजमान है? श्री विष्णु के भीतर संचालन शक्ति बन के कौन विराजमान है? शिव के भीतर संहारिका शक्ति के रूप में कौन विराजमान है? वो कुशमांडा है, अंड पिंड ब्रह्मांड जिनसे बनते हैं। और कुशमांडा मैया का बहुत सुंदर स्वरूप है। कुशमांडा मैया मुस्काती रहती है, हल्का हास्य उनके मुख पर है। और चौथी भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। चौथी भक्ति भगवान की कौन सी है? पाद सेवन, सेवा। और मैया का चौथा रूप क्या है? कुशमांडा। अच्छा ये बताइए कि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो सेवा कैसे बनेगी? वो संसार की हो, नारायण की हो, नर की हो, गौ की हो, राष्ट्र की हो, जिसकी भी हो, शरीर तो चाहिए। और शरीर स्वस्थ नहीं तो हम सेवा क्या करेंगे? हम तो करवाएंगे अपनी सेवा, सेवा कहां कर पाएंगे किसी की? आहा, वह सेवा के लिए स्वस्थ देह। और केवल स्वस्थ नहीं, स्वस्थ तो आतंकवादियों की भी देह है, स्वस्थ तो दूसरों को सताने वालों की भी देह है। आतंकवादी भी तो बड़े बलवान होते हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य उनकी शरीर की शक्ति कल्याण के लिए नहीं है, विनाश के लिए है, दूसरों को दुख देने के लिए है। पर जब जीवन में कुशमांडा की कृपा होती है, जब जीवन में चौथे नवरात्र की पूजा होती है, तो क्या होता है? मैया ऐसी देह देती है, ऐसा अंड पिंड देती है मां, ऐसा स्वास्थ्य देती है, ऐसी सद्बुद्धि देती है, जिससे भगवान की पाद सेवन भक्ति होती है। फिर वह पाद सेवन भक्ति ठाकुर सेवा के रूप में हो, गौ सेवा के रूप में हो, राष्ट्र सेवा के रूप में हो, धर्म सेवा के रूप में हो, जिस रूप में हो, वो कुशमांडा की कृपा है। पाद सेवन भक्ति कराएगी मैया, सत्संग में अभिरुचि हो जाएगी, संत चरणों में प्रेम हो जाएगा, सेवा करने की भावना होएगी, कुशमांडा की कृपा है। अंड पिंड ब्रह्मांड का जो सृजन करती है और सबको कार्य करने की जो क्षमता देती है। अभी सुना हमने कि कोई शरीर कमजोर हो जाए, बूढ़ा हो जाए कोई व्यक्ति, तो ये नहीं कहता कि मेरे में से ब्रह्मा निकल गए, मेरे में विष्णु नहीं रहे, नारायण नहीं रहे। क्या कहते? मेरे में शक्ति नहीं रही, शक्ति नहीं रही। और शक्ति चली जाए, शिव नाम में जो ई की मात्रा है वो शक्ति की है, और कोई शिव नाम में से ई की मात्रा निकाल दे तो क्या बचेगा? फिर तो शव बचेगा, किसी काम का नहीं। जल्दी ले जाओ, जला दो, फूंक दो, बहा दो, गाड़ दो, किसी काम का नहीं। ये चतुर्थ नवरात्र है, ये चतुर्थ भक्ति पाद सेवन भक्ति है। और मैया का चतुर्थ स्वरूप कुशमांडा का है, वह अंड पिंड ब्रह्मांड का सृजन करती है। और मुस्का के पाद सेवन भक्ति, एक तो सेवा कर रहे हैं और एहसान करते हुए,
अहंकार में भर के, अरे गुस्से में भर के, लाल पीले होके, बिना मन से, ना ये सेवा नहीं है, ये तो काम हो सकता है, ये तो नौकरी हो सकती है। घर पे तनख्वाह पे नौकर रखा है, घर पर पैसा देके बर्तन साफ करने के लिए कोई बाई रखी है, किसी दिन ज्यादा झूठे बर्तन देखे तो सिर पकड़ ले, हे भगवान आज इतने बर्तन साफ करने पड़ेंगे, सोचिए। तो वो सेवा नहीं है, वो तो नौकरी है। अरे ज्यादा झूठे बर्तन थे तो इसका मतलब ये हो गया कि अनेक लोग भोजन करके गए तो खुश होने की बात थी वो, तो कि ज्यादा लोग प्रसाद पाके गए, पर वो सिर पकड़ लिया इतने झूठे बर्तन, हे भगवान, क्योंकि सेवा नहीं है वो तो नौकरी है। तो कुष्मांडा मैया कैसी पाद सेवन भक्ति देती है, जब सेवा करके मन प्रसन्न हो। हमारी एक वैष्णव बहन है, गुरु महाराज के आश्रित है, वो बहुत प्यारी बात कहती हमको, कहते गुरु जी किसी दिन बाई छुट्टी कर जाती है घर पे, सफाई वाली भी नहीं आई, बर्तन वाली भी नहीं आई, कपड़े वाली भी नहीं आई, ऐसा हो जाता है। और उस दिन ठाकुर जी की सेवा, रसोई की सेवा तो है ही, बर्तन पोचा कपड़ा सब काम मुझे करना होता है, तो मैं राधा रानी को धन्यवाद कहती हूँ, ठाकुर जी को धन्यवाद कहती है, प्रभु आज आपने मुझे सही से अपनी नौकरानी माना, सही से दासी माना, आज मेरे से झाड़ू पोता लगवाओगे, मेरे से ही कपड़े, मेरे से ही बर्तन, सबरा काम मेरे से, और सुबह से शाम तक समय नहीं मिलता, तो मैं खूब प्रसन्न होके सेवा करती हूँ कि आज प्रभु की सारी सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त होगा। तो प्रसन्नता पूर्वक जो सेवा है, दुखी होके नहीं। अब प्रसन्नता पूर्वक सेवा कब होगी भैया? प्रसन्नता पूर्वक सेवा तब होगी जब उस सेवा का लक्ष्य श्री कृष्ण होंगे, श्री राम होंगे। माने मैं जिसकी भी सेवा कर रही हूं, कर रहा हूं, पत्नी की, पति की, बच्चों की, सास ससुर की, परिवार की, समाज की, रिश्तेदारी की, मैं जिसकी भी सेवा कर रहा हूं, कर रही हूं, उन सब रूपों में उस सेवा को गोविंद ही ग्रहण कर रहे हैं। चूंकि सब जीवों के भीतर अंतर्यामी रूप में मेरा ठाकुर ही बैठा है, मेरे गोविंद ही उस सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। जब ये लक्ष्य होगा तो सेवा करते में झूंझल नहीं आएगी, सेवा करते में प्रसन्नता होगी। एक मैया थी, वृंदावन में रहती थी, तुम छोटे से थे तो उनके पास जाते थे, तो उनका खूब बड़ा घर था, चार पांच कमरे का बड़ा घर था, और अकेली थी वो, वृद्ध उनका शरीर था, हम छोटे उनके पास जाते, जब देखते वो सफाई करती मिलती हमको, झाड़ू लगा रही, पोछा लगा रही, ये साफ कर रही, वो साफ, पूरे दिन यही काम करती थी। तो हम उनको कहते, मैया ये तुम पूरे दिन झाड़ू पोछा ही करती रहती हो और शरीर भी नहीं चलता, तो पूरे प्रतिदिन पूरा घर मत साफ किया करो, मंदिर कर लिया करो, ठाकुर सेवा कर लिया करो, और दो चार दिन में कर लिया करो पूरा घर, पूरा दिन जब होता नहीं तो इतना क्यों करो। तो हमें बड़ी प्यारी बात लगती उनकी, याद आती है, कहती लाला तू क्या सोचता है मेरे राधा माधव मंदिर में बैठे रहते हैं क्या? अरे कभी वो निकल के आंगन में आते हैं, कभी बाहर वाले कमरे में आते हैं, कभी छज्जे में आते हैं, कभी जीने में जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, तो मुझको लगता है कहीं भी धूल लगी रही, गंदगी लगी रही, तो राधा माधव के कोमल चरणों में गंदगी लग जाएगी, उन्हें कष्ट होगा, उन्हें तो स्वच्छता प्रिय है। तो हमको कहती, बेटा तुझे लगता है कि मैं घर साफ करती हूँ, मुझे तो यही लगता है कि मैं सेवा कुंज में बुहारी दे रही, मैं निधिवन में बुहारी दे रही हूं, ये पूरा घर ही उनका है। तब हमको लगा कि इस मैया का जो झाड़ू पोछा है ये भी सफाई का काम नहीं है, ये भी इसकी भक्ति है, क्योंकि इसने इसको भी भक्ति मान लिया है। बलिहार, ये कुष्मांडा की कृपा हो गई। फिर भले वो प्रत्यक्ष रूप में दुर्गा जी की पूजा करता है कि नहीं करता, इसका अर्थ नहीं है,
जीवन में कुष्मांडा की कृपा से यह होगा। समझिए कुष्मांडा तत्व जागृत हो गया। पाद सेवन भक्ति, चौथी भक्ति पाद सेवन, और देवी का चौथा स्वरूप कुष्मांडा। ये भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गोरदास जी महाराज जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।